तो बाइक में पीछे का व्हील होता है, उसमें लगी होती है कपलिंग रबर, जिसको हम ड्रम रबर ही बोलते हैं। तो ये जो रबर होती है ये पूरी खराब हो चुकी है। देखो इस बाइक की सारी रबर टूट चुकी है, अलग हो चुकी है, और दूसरी बात है कि ये फट चुकी है। तो इन्हें चेंज करना जरूरी क्यों है, आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा कि इसे चेंज करने से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है बाइक में। बाकी हम इसमें जो रबर डाल रहे हैं वो OTC कंपनी की रबर डाल रहे हैं, काफी बढ़िया रबर आती है, और किस बाइक की रबर लगती है आगे आप लोगों को वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो, मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की पैशन प्रो i3S मॉडल बाइक है, और इस बाइक की फुल सर्विस हो रही है। फुल सर्विस मैं इस बाइक की कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इसका पीछे का व्हील खोला तो इसमें जो कपलिंग रबर होती है वो रबर हो चुकी थी खराब। जैसे ही खोला ये सारी रबर गिरने लगी। तो मैं ये जो रबर है इन्हें चेंज कैसे करना है और कौन से बाइक की लगेगी, और ये रबर जो पुरानी वाली है यहाँ से ये देखो ये क्रैक मतलब टूट चुकी है। तो जो सारी रबर है इसी तरीके से है, देखो ये भी अलग हो गई ये, और दूसरी रबर निकालता हूँ या इसको भी देखो, सब रबर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो ये भी फट चुकी है, और चलो ये वाली रबर अलग ही है, ये देखो अलग है अलग है। और ये जो रबर है ये देखो ये भी अलग होने वाली है यहाँ से, ये देखो फट रही है ये देखो। तो सर्विस अगर आप कर रहे तो जरूरी है, रबर खराब है तो चेंज कर दो, इससे काफ़ी जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बाकी नई हम इसमें डाल रहे हैं OTC कंपनी की कपलिंग रबर, और यहाँ पे ये देखो इसको मैं खोल लेता हूँ, और जो इस बाइक की ये देखो सुपर स्प्लेंडर ड्रम रबर, सुपर स्प्लेंडर है हीरो की पैशन प्रो है, और जो HF डिलक्स है ये सारी इसमें लग जाती हैं। तो इन्हें फाड़ लेते हैं और निकालते हैं। इसे बिठाने का सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक है तरीका, बिल्कुल आराम से बैठ जाती है इसमें, कुछ भी नहीं, आप घर पे खोल के व्हील बिठा सकते हो। बाकी हमने इसका व्हील वगैरह खोल दिया था पहले ही। तो इसे बिठाने के लिए देखो जिसमें चार रबर होती हैं जो एक साथ मिलती हैं, और ये मिल जाएगी आप लोगों को 100 रुपये के आसपास मिल जाती हैं रबर, चार रबर होती हैं। तो एक यहाँ पर बिठाना है बस, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, इसे चेंज करना है। ये लग गई ये तीसरी और ये चौथी, तो ये रबर चेंज हो गई, ये देखो हो गई चेंज, बस इतना ही है। और अब जो है इसका व्हील फिटिंग करते हैं बाइक में, और बाइक में लगाने के बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसमें जो खट खट करके पीछे से आवाज़ आती है वो आवाज़ इसी की होती है, वो चीज़ भी चेक कराऊंगा आप लोगों को। तो हमारी रबर तो चेंज हो चुकी है, अब इस व्हील को बाइक में करते हैं फिटिंग। बाकी तो हमने वो जो लेदर वगैरह है सारे में मार लिया है, बाकी व्हील को फिटिंग कर देना है। तो चलो व्हील को कर देते हैं फिटिंग, और फिर उसके बाद इसमें प्ले दिखाते हैं आप लोगों को जो ज़रूरी है प्ले। तो अभी हमने व्हील को कम्प्लीट कर लिया है फिटिंग, अब प्ले दिखा देते हैं आप लोगों को और थोड़ा सा समझा देते हैं। इस साइड में बैठते हैं, एक हाथ से व्हील पकड़ना है, मेन स्टैंड पे बाइक को खड़ी करना है, एक हाथ से व्हील पकड़ना है, और इस पॉकेट को ऊपर नीचे करके देखना है प्ले है या नहीं। इस तरीके से चेक कर सकते हो, अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो बाइक को स्टार्ट करके गियर में डालना और क्लच को थोड़ा झटके में छोड़ोगे तो खट करके आवाज़ आती है, देखा होगा आप करके देखना, जैसे क्लच छोड़ोगे खट करके आवाज़ आएगी, वो होती है इसी रबर की आवाज़। बाकी चलो ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बता देना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और बेस्ट वीडियो के साथ।